नमस्ते बच्चों, मैं श्री राहुल परेठ, सहायक अध्यापक, शिवराज विद्यालय आयतवड़े खुर्द, तहसील वाळवा, जिला सांगली, आपका वारना ई एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मी पाठ के शुरुआत का अध्ययन किया था। अब हम लक्ष्मी इस पाठ के मध्यार्थ का अध्ययन करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हमें देखिए उसके पूर्वार्ध को समझना बहुत ही आवश्यक है। चलिए उसके पूर्वार्ध को समझते हैं। बच्चों, पिछली तासिका में हमने देखा कि ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत ही शौक था। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी और उसका नाम उसने रखा था लक्ष्मी। लक्ष्मी एक अधेड़ उम्र की गाय थी, लेकिन वो इतना दूध देती थी कि घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद जो भी दूध बचता वह दूध गली और मोहल्ले में उसे बेच दिया जाता। ज्ञान सिंह दूध बेचने का धंधा नहीं करता था, लेकिन उस गाय की चारे के लिए और उसके दर्रे के लिए जो पैसे की आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए वह अपने गाय के दूध को गली में बेचता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? ज्ञान सिंह जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का मकान उसे खाली करना था, क्योंकि उसके अवकाश का समय आ गया है। अवकाश का मतलब है रिटायरमेंट का समय, और इसी कारण उसके सामने एक समस्या थी और वह समस्या थी लक्ष्मी की। अब लक्ष्मी को वह किसी भी हालत में अपने साथ नहीं ले जा सकता या उसे बेच भी नहीं सकता, और इसलिए उसके सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि इस लक्ष्मी का करे क्या। तब उसे अपने मित्र करामत अली की याद आई, तो उसने अपने मित्र को अपने पास बुलाया और उसे उसे पूछा कि तुम्हें यदि मैं लक्ष्मी को सौंप दूँ तो तुम उसे स्वीकार करोगे क्या? करामत अली कहता है, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले एक वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में उसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। ज्ञान सिंह ने करामत अली को जब लक्ष्मी के बारे में पूछा तब करामत अली कहता है, नेकी और पूछ पूछ, यानी नेकी शब्द का अर्थ है भलाई। तुम मेरी भलाई करना चाहते हो और इसमें क्या पूछ रहे हो? मुझसे मेरे लिए इससे भला खुश नसीबी का और कौन सा मौका हो सकता है? ऐसा कहकर यहाँ करामत अली बहुत ही खुश हो जाता है। पिछले एक साल से यहाँ करामत अली देखिए लक्ष्मी की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है। करामत अली को लक्ष्मी के पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। पिछले एक वर्ष से करामत अली गाय की देखभाल कर रहा है, लेकिन लक्ष्मी के पीठ पर दवा लगाने के बाद भी, तेल लगाने के बाद भी उसे इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान शब्द का अर्थ है तसल्ली। और वह क्या कर रहा था कि लक्ष्मी के सिर पर देखिए हाथ फेर रहा था। लक्ष्मी वहां स्थिर खड़ी थी और उसकी ओर यानी करामत अली की ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से, नजर से देखिए वह क्या कर रही थी, देख रही थी। तब देखिए करामत अली को ऐसा लगता है कि लक्ष्मी मुझसे कह रही हो कि यदि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूं तो मुझे आजाद कर दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सारी बातें लक्ष्मी करामत अली से कर रही है। दूसरे दिन करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे?
तब देखिए, जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 रुपये महीने के खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वो रमजाने की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। दूसरे दिन करामत अली करामत ड्यूटी अली पर जब जाने की ड्यूटी तैयारी पर कर जाने के रहा लिए था तैयारी तभी कर उसकी रहा पत्नी, था, तब उसकी रमजानी पत्नी उसे कहती है कि रमजानी इस महंगाई कहती के है महंगाई के जमाने में कि हैं, लक्ष्मी दूध लक्ष्मी नहीं को देगी तो हम इसका बिना क्या दूध के करेंगे। पालना हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके चारे के लिए महीनों में हमें 300-350 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उस पर देखिए, करामत अली कहता है कि सो तो है, वो खर्च करने ही पड़ेंगे। इसके बाद वह कुछ बोलता नहीं है और वह ड्यूटी पर निकल जाता है। लेकिन जाते समय वह विचार कर रहा है कि उसकी पत्नी ने जो बात कही थी कि वो बात सच थी, कि जब तक देखिए लक्ष्मी दूध देती थी तब देखिए उसकी पालन पोषण की जिम्मेदारी हम पर थी और उसकी चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उसके दूध से पैसों से उसका चारा देके हम खरीदते थे। लेकिन अब लक्ष्मी ने दूध देना ही बंद कर दिया है तो उसका पालन पोषण कैसा होगा। इस बात की जो चिंता है, इस बात की चिंता अब देखिए करामत अली को सता रही है, क्योंकि उसने इस बात का विचार ही नहीं किया था। ख्याल शब्द करते विचार, उस बात का उसने विचार ही नहीं किया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उस दिन हमें लक्ष्मी को खूंटे से बांधकर मुफ्त में देखिए उसे खिलाना पड़ेगा। ऐसा देखिए यहाँ करामत अली कहता है। बच्चे आगे देखिए, उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशानी देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठकर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली काम पर जाने के बाद भी वह लक्ष्मी का ही विचार कर रहा था और इस कारण वह बहुत ही परेशान था, चिंतित था। उसके मित्र नईम ने उसे पूछा, क्यों भैया, क्या परेशानी है, बड़े ही चिंतित लग रहे हो, बड़े ही दुखी लग रहे हो। इस पर देखिए करामत अली कहता है कि कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन नईम चुप बैठता नहीं है, फिर से पूछता है, कुछ तो होगा। उस पर देखिए करामत अली कहता है कि क्या बताऊं कि हमारे घर में हमने लक्ष्मी नाम की गाय पाल रखी है, उसने देखिए अब दूध देना भी बंद कर दिया है और उसे घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना आज के इस महंगाई के ज़माने में मेरे से तो संभव नहीं है, तो उसका क्या करे। इस बात से देखिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ। इस पर देखिए नईम झट से उत्तर दे देता है, इस पर चिंता करने की क्या आवश्यकता है, एक ही उस पर उपाय है, वो उपाय है कि उस लक्ष्मी को तुम बेच दो। करामत अली ने हौका भरा, हौका भरना इसका मतलब सांस को छाती में भरकर उसे जोरों से छोड़ देना। अब देखिए वो कहता है कि हाँ, इससे तो परेशानी कर से छुटकारा मिल जाएगा, बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा कहकर वो विचार करने लगता है कि लक्ष्मी को बेच दिया जाए। बच्चों अब आगे देखिए, करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखे रखोगे। कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि लेकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। करामत अली रात को ड्यूटी को जाने के बाद जब वो सुबह घर लौटा तो उसने लक्ष्मी की तरफ देखा तो उसके सामने चारा नहीं था। तो उसे देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया, उसने अपने पत्नी को बुलाया और पूछा कि तुमने लक्ष्मी को चारा दिया। तो इस पर
रमजानी कहती है कि मैंने रहमान से कह तो दिया था, लेकिन ऐसा वो कहती है और रुकती है। इस पर देखिए यहाँ करामत अली कहता है, तुम दोनों की यदि मर्जी होगी तो अब तक गाय को चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है, इसका मतलब यह है क्या कि तुम उसे भूखा रखोगे? ऐसा कहते हुए यहाँ करामत अली कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि को लेकर लक्ष्मी के लिए वह सानी तैयार करने लगा। कटा हुआ पुआल इसका मतलब है कड़वा, खली का मतलब है जो जिसे मराठी में हम पेंड कहते हैं, सर की पेंड कहते हैं, उसे खली कहा गया है। और दर्रे का मतलब है अनाज का अंश, जिसे हम सुग्रास कहते हैं। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। करामत अली ने लक्ष्मी के लिए जो सानी तैयार किया था उसमें देखिए वो मुंह मारने लगी। उसके बाद करामत अली लक्ष्मी के पास जाकर उसके पीठ पर हाथ फेरता है और देखता है तो देखिए यहाँ उस रोगन ने अच्छा काम कर दिया है, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। लेकिन 10-15 दिन यूं ही चलता रहा। लेकिन 10-15 दिनों के बाद करामत अली ने अपने पत्नी से जब पैसे मांगे तो उसने कहा कि पैसे कहाँ से दूँ? पहले दूध की बिक्री होती थी, उससे पैसे मेरे पास रहते थे, उसमें से मैं पैसे तुम्हें दे देती थी, लेकिन अब मैं पैसे कहाँ से दूँ? ऐसा कहकर वह संदूक सी में से 20 रुपये निकाल कर वह करामत अली को दे देती है और कहती है, यह पैसे मैंने राशन के लिए बचा कर रखे थे, ये ले लो और लक्ष्मी को चारा लेकर आओ। ऐसा देखिए यहाँ रमजानी अपने पति करामत अली से कहती है। तो बच्चों यहाँ हम रुकते हैं, आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।